इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बाबा रामदेव ने किया कोविड वैक्सीन लगवाने का ऐलान, लोगों से भी की अपील, कहा जल्द से जल्द लोग भी लगवाएं वैक्सीन। योग गुरु बाबा रामदेव ने वैक्सीन को लेकर पूछे गए सवाल का आज जवाब दे दिया है। डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। जल्दी लगवा लें। एलोपैथी और IMA के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बाबा रामदेव से लोग पूछ रहे थे कि बाबा वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं। अब बाबा ने जवाब दे दिया है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन कब इसका खुलासा नहीं किया है। पंजाब के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बंगाल में हुए ढेर। कोलकाता की STF के साथ हुई मुठभेड़ में जयपाल भुल्लर समेत दो गैंगस्टर मारे गए। ये मुठभेड़ बुधवार को कोलकाता के न्यू टाउन के एक रिहायशी इलाके शपुरजी इनक्लेव में हुई। पंजाब पुलिस से मिली सूचना के आधार पर STF इनके ठिकाने पर छापा मारने गई थी, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पंजाब के दोनों बदमाश मारे गए। इसमें बंगाल STF का एक इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी खरार पंजाब से भागे थे। दोनों बदमाश 15 मई को पंजाब पुलिस के एक ASI और एक पुलिस कर्मी की हत्या में भी मोस्ट वांटेड थे। जिन दो गैंगस्टर की मौत हुई है उन दोनों पर पंजाब पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ था। मोदी सरकार ने धान समेत कई खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, किसानों को होगा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 1868 रुपये प्रति क्विंटल से 72 रुपये बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी लागत में करीब 50% तक बढ़ोतरी। कृषि बिल किसान के हित में है, हमने किसानों से बातचीत की है, भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार आगे भी किसानों के हित में ऐसे ही फैसले करती रहेगी। जम्मू में सड़क धंसने से हुआ हादसा, लैंडस्लाइड के बाद 4 गाड़ियां खाई में गिर गईं। जम्मू का सर्कुलर रोड का एक हिस्सा ऐसा धंसा कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां नीचे खाई में गिर गईं। इस हादसे में कुल 4 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि ये गाड़ियां वहां पर पार्क की हुई थी और उनके अंदर कोई नहीं था। एक बड़ा हिस्सा धंसने के बाद सर्कुलर रोड थोड़ी संकरी हो गई, जिससे गाड़ियों के आवागमन में सावधानी बरती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम की वजह से सड़क धंसने के कई हादसे अब तक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के क्षेत्र में जान जोखिम में डाल करके लोग नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग खतरों से खेल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के महंदवानी की तस्वीरें हैं, जहां विकास खंड मुख्यालय पहुंचने के लिए रोजाना लोग इसी तरह जान की बाजी लगाते हैं। इस तरह से नर्मदा नदी को पार करना किसी जोखिम से कम नहीं है, लेकिन नदी पर पुल बनाने की लंबे अरसे से चली आ रही मांग की कहीं सुनवाई नहीं हुई। गर्मी के दिनों में नर्मदा का जलस्तर कम होने के कारण गांव वाले जैसे तैसे नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। पुल न होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे गर्भवती महिलाओं और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। नदी पर पुल की सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना काल में महसूस की गई, जब मरीजों को किसी तरह नदी पार करवा करके अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई में मानसून ने एक दिन पहले मारी एंट्री और मुंबई में मुसीबतों की बारिश शुरू हो गई। मानसून के पहले दिन ही मुंबई पानी पानी हो गई। मानसून ने आज मुंबई में कुछ इस तरह दस्तक दी। शहर में तेज बारिश हो रही है, इससे कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। देखिए कैसे सड़क पर पानी के बीच गाड़ियां फंस गई हैं। सिर्फ सड़क का ही ये हाल नहीं है, बल्कि मुंबई में कई जगह ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं। मुंबई में लोकल अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए यात्रियों के लिए चल रही हैं।
लेकिन उस पर भी बारिश ने जैसे ब्रेक लगा दिया। रेल यातायात प्रभावित हुआ तो सड़क पर कई जगह लंबा जाम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मुंबई में इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र सहित देश के 14 राज्यों में मानसून की तेज बारिश का अनुमान लगाया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, कहा राष्ट्रीय पार्टी तो सिर्फ बीजेपी है, मोदी जी बना रहे हैं नया भारत। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुलदस्ता दिया, गले में बीजेपी का गमछा डाला और इस अंदाज में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही जितिन प्रसाद ने मोदी की तारीफ की और कांग्रेस पर इशारों में तंज कसा। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। हालांकि जितिन प्रसाद को 2014 और 2019 में धरौरा लोकसभा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। 2019 में तो वो चौथे नंबर पर रहे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा छीन लिया। राहुल और प्रियंका के करीबी जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरा भी मिल गया। बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद की यूपी में ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं में गिनती होती है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता रहे। जितिन दो बार सांसद रह चुके हैं और यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। जितिन के पिता जितेन प्रसाद कांग्रेस के गद्दावर नेता थे। जाहिर है बीजेपी खुश है और कांग्रेस में सदमा है। भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद जी का तहे दिल से, आत्म की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी जितिन प्रसाद के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन आज जितिन प्रसाद ने बीजेपी के साथ नई पारी शुरू कर दी। बिहार के आरा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। शादी समारोह के दौरान पिंजरे में बंद कर कराया बार बालाओं का डांस। भीड़ ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पिंजरे में बंद करके बार बालाओं का डांस चल रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो बिहार के भोजपुर जिले का है। जिले के कोइलवर में एक शादी समारोह के दौरान ये तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान भीड़ ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और बिना मास्क के ही भीड़ जुटाकर नाच का नजारा देखते रहे। प्रशासन को सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की जानकारी मिली और उसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई है। लेकिन इस तरह की हरकतें बताती हैं कि कोरोना को लेकर हम कितनी लापरवाही बरतते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन, पूल पार्टी करने के आरोप में एक दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 135 की हैं। मंगलवार की रात पुलिस ने यहाँ छापेमारी करके 16 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के इस फॉर्म हाउस में ये लोग बर्थडे पार्टी और पूल पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत छापेमारी करके कार्रवाई की और सबको गिरफ्तार किया। यूपी में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक लॉकडाउन खत्म है, लेकिन इसके बाद नाइट कर्फ्यू जारी है। लेकिन इन लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा और कानून तोड़ा, जिसकी वजह से कानून के शिकंजे में फंसे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का महिला कांस्टेबल के साथ गाने वाला वीडियो वायरल, दोनों को मिला नोटिस, 15 दिन में जवाब देना होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को वीडियो बनाना महंगा पड़ सकता है। वर्दी में ड्यूटी के दौरान महिला कांस्टेबल के साथ गाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब देने को कहा है। कांस्टेबल का नाम विवेक है और वीडियो लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी का है। कांस्टेबल विवेक दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में तैनात है। वायरल वीडियो को लेकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा कानून का शिकंजा। मऊ शहर में 24 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में लिया। भारी पुलिस इंतजाम के बीच मऊ के दसई पोखरा इलाके में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि मुख्तार ने जुर्म की दुनिया से अवैध कमाई के जरिए इस संपत्ति को हासिल किया था। बताया जा रहा है कि ये जमीन 152 हेक्टेयर में है और बाजार भाव इसका
24 करोड़ है। मुख्तार अंसारी अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार पर यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मुख्तार पर यूपी सरकार का शिकंजा कस रहा है। आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के सामने उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उमड़ी भीड़। सुबह सुबह आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज की है। तेज प्रताप यहां कोरोना मरीजों को देखने पहुंचे थे, लेकिन इतनी भीड़ जमा हो गई कि कोरोना के सारे नियम टूट गए। अस्पताल प्रशासन इस दौरान लाचार नजर आ रहा था। काफी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जो आते हैं, माननीय हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें अपने समर्थकों को दूर रखना चाहिए। अस्पताल में इतने लोगों के साथ घुस जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ये प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है। कोरोना अभी गया नहीं है, हम अभी सारे चीज को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। सवाल ये है कि जब जन प्रतिनिधि इस तरह से दौरा करेंगे तो ऐसी स्थिति तो पैदा होगी। कोरोना का वक्त है, इसलिए हम सभी को भीड़ से बचने की जरूरत है। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर भगवान भोलेनाथ के अपमान का आरोप। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में इंस्टाग्राम पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत। आरोप है कि सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अगर भगवान शिव टाइप करते हैं तो एक विवादित तस्वीर दिखती है। ये तस्वीर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। आप इंस्टाग्राम में अगर स्टोरी में जाएंगे और स्टोरी में अगर शिव टाइप करेंगे SHIV शिव, तो अगर टाइप करेंगे तो उसमें एक भोले बाबा की फोटो आएगी और एक ऐसी भी फोटो आएगी जिसमें भोले बाबा के एक हाथ में शराब और एक हाथ में मोबाइल दिखाया गया है। पुलिस ने शिकायत की रिसीविंग लेकर जांच शुरू कर दी है। DCP का कहना है कि अभी जांच जारी है, फिलहाल FIR दर्ज नहीं की गई है। बिहार NDA में बढ़ा विवाद। सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता BJP के सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग की। पिछले हफ्ते से ही बिहार की राजनीति काफी गर्म है। अब सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हमने BJP पर आरोप लगाकर राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि BJP के कुछ लोग सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में NDA कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है। हम के इन आरोपों को BJP खारिज कर रही है। समन्वय की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर समन्वय के साथ जब सरकार चल रही है तो इस प्रकार का भ्रम पैदा करने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे। बिहार में BJP NDA में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। माना यह जाता है कि BJP के नेता अंदर खाने में खुश नहीं है, इसलिए बार बार दबाव की राजनीति की खबरें आती रहती है। पति के साथ हो रही लगातार अनबन पर सांसद तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहान का बड़ा बयान। कहा, निखिल जैन के साथ शादी वैध नहीं। पश्चिम बंगाल में पति के साथ सिंदूर खेला खेलती नुसरत जहां की ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है। नुसरत जहां के पति का नाम निखिल जैन है और वो कारोबारी है। कुछ दिन से नुसरत और निखिल के बीच लड़ाई की खबरें आ रही थी। दोनों अलग रह रहे थे। अब नुसरत जहां ने एक बयान जारी कर सारी बातें सामने रख दी है। नुसरत जहां ने कहा, निखिल जैन के साथ उनकी शादी भारतीय कानून के हिसाब से नहीं हुई है, इसलिए वैध नहीं है। उनकी शादी तुर्की के कानून के मुताबिक हुई थी, जो कि भारत में मान्य नहीं है। हम दोनों लंबे समय से अलग रहे हैं और क्योंकि शादी वैध नहीं है तो इसमें तलाक की बात नहीं उठती। कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से नुसरत जहान की शादी 19 जून 2019 को हुई थी। नुसरत ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनके खाते से पैसे निकाले हैं और इस बारे में उन्होंने बैंक से भी बात की है। नुसरत जहान बंगाली फिल्मों की बड़ी अदाकारा और अभिनेत्री रही हैं और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा महिला चेहरा भी। चुनाव के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के लिए खूब प्रचार किया था।
चीन के वुहान शहर को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा ये कि कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले चीन के वुहान शहर में हजारों जिंदा जानवरों को बेचा गया। चीनी शहर वुहान को लेकर यह खुलासा जर्नल साइंटिफिक की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वुहान में मई 2017 से नवंबर 2019 के बीच 47,000 जीवित जानवरों की खरीद फरोख्त हुई थी। वुहान के 17 बाजारों में जानवरों की 38 प्रजातियां बेची गई थी। इन जानवरों को पिंजरों में रखा गया था और इसका खान पान तथा इनकी देखभाल बेहद खराब थी, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा था। ऐसे में ये जानवर कई तरह के रोगों को फैलाने में सक्षम हो सकते थे। आपको बता दें कि नवंबर के बाद ही चीनी सरकार ने कोरोना मामलों के सामने आने की पुष्टि की थी और ये भी बताया था कि कोरोना का वायरस जानवरों से इंसान में आया था। चाइनीज कंपनी के स्पॉन्सर के साथ टोक्यो ओलंपिक्स नहीं जाएंगे भारतीय खिलाड़ी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चाइनीज कंपनी ली निंग के साथ करार तोड़ा। सोशल मीडिया पर खेल मंत्री किरण रिजिजू की ये वही तस्वीर है जिसके बाद भारतीय ओलंपिक टीम में एक नया विवाद शुरू हुआ। ओलंपिक संघ ने पहले चीन के एक ब्रांड ली निंग से करार किया था। इसके लिए ली निंग को डिजाइन वाली ओलंपिक किट भी जारी हुई थी। इसके बाद ही भारतीय ओलंपिक टीम में इस चीनी कनेक्शन का विरोध शुरू हो गया और अब ओलंपिक एसोसिएशन ने फैसला किया है कि चीन की ली निंग ब्रांड से करार तोड़ा जाएगा और खिलाड़ी बिना स्पॉन्सर के ही टोक्यो ओलंपिक खेलने जाएंगे। 23 जुलाई से टोक्यो में खेल शुरू होने वाले हैं। डोकलाम में चीनी घुसपैठ के बाद ही चीन में बने सामान और चीनी कंपनियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और इसी गुस्से का नतीजा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चीनी कंपनी का करार तोड़ना पड़ा। बिहार से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिया है विवादित बयान। मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ये कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर। बांका के मदरसे में विस्फोट हुआ था, मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, आधा दर्जन लोगों के जख्मी होने की खबर थी। अब इस पूरे मामले में एनआईए जांच कर रही है और इस बीच एक विवादित बयान आ गया है बिहार के बीजेपी विधायक द्वारा। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। साइबर क्राइम के एक मामले में दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के बीच में मची श्रेय लेने की होड़। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस पर कसा तंज। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसने चीनी नागरिकों के ऐप के जरिए 150 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जबकि उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि उसने ये मामला सबसे पहले रजिस्टर किया। उत्तराखंड पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके दिल्ली पुलिस पर तंज कसा, लिखा, हम छोटे राजे जरूर हैं लेकिन हमारा दिल हिमालय जैसा है। फर्जीवाड़ा क्रिएट करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके लोगों को कन्विंस करके ऐप के माध्यम से ये उनसे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगातार साइबर क्राइम में उत्तराखंड पुलिस थोड़ा और एक्सपर्टीज डेवलप करे और साइबर क्राइम के जो केसेस, जो भी शिकायतें आती हैं साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, उनको और गंभीरता से लिया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि फर्जी ऐप में निवेश का झांसा दे करके ये ठगी की गई है। ABP News आपको रखे आगे।